सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग 1 2 3 यहां आके मुझे सच में लग रहा है कि मैं सच में औकात के बाहर आ गया हूं। ए बेटा काम योर टिप्स। ये साला जयपुर में आके लगा, जयपुर का कोई तोड़ नहीं, जयपुर का क्या नहीं, शाबाश बहुत बढ़िया। यहाँ रुक जाओ यार प्लीज भाई, इधर रुक जाओ मेरे सर पे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग अच्छा होने वाला है। भुवन बाम भाई पत्रिका गेट आ रहे हैं तो वहाँ पर चलेंगे। उससे पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि हम सभी को ना कपड़े चाहिए, तो चलिए वहीं पे मिलते हैं और शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर ना धूप बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, छत पे आए हुए थे क्योंकि माहौल देख रहे थे। हमें यहाँ पर 2 दिन हो गए पर अभी तक मैं घूमा नहीं था। हाँ गए थे हम लोग WTP गए थे पर ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो अभी चलते हैं और शॉपिंग करते हैं इनके लिए। देखो गाइस ये ना सिटी पैलेस का गेट है और ये जंतर मंतर है, बस इधर ही रह रहा हूँ मैं 2 दिन से। शॉपिंग करते हैं पहले फिर चलते हैं पत्रिका गेट, वहाँ पर मज़े लेते हैं क्योंकि जब भी किसी कोई मीटअप रहता है ना मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। कपड़े निकल चुके हैं बस के अंदर है हमारे पास, पर्सनल गाड़ी है नहीं चलता है इतना। भाई जस्ट अभी ना हम लोग भाई पत्रिका गेट पहुंचे, भाई क्रेजी सीन हो रहे हैं यार यहाँ के। सच्ची शाहरुख वाला फैन कैसे यार इसका। आप लोगों से जो पेड़ पर चढ़ चुके हैं, माना हम लोग बंदरों के खानदान से हैं, वंशज हैं, लेकिन वहाँ नहीं चढ़ना, नीचे उतर जाइए। पेड़ पर जो चढ़े हुए हैं प्लीज नीचे आ जाइए। बंदर के औलाद उस तरफ खड़े होंगे मेरा नमस्ते, चलो पीछे की तरफ खड़े उनको मेरा नमस्ते, जो लोग वहाँ उस तरफ खड़े उनको मेरा नमस्ते, और जो लोग उधर इस तरफ खड़े सबको मेरा नमस्ते। ताज़ा खबर के प्रमोशन के लिए बहुत शहर गए, लेकिन आज यहाँ आके मुझे सच में लग रहा है कि मैं सच में औकात के बाहर आ गया हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए पीपल, कम ऑन। जयपुर में आके लगा, जयपुर का कोई तोड़ नहीं, जयपुर का क्या नहीं, शाबाश बहुत बढ़िया जी जी। और भी है आई थिंक। हाँ जी वो जैसे जैसे आते जाएंगे ठीक है। सो हम ताजा खबर के लिए तो एक्साइटेड है ही, बट ढिंढोरा कब आ रहा है, कब पीटना है हमें फिर से, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ढिंढोरा का ऐसा है कि ढिंढोरा के मैं 3 से 4 एपिसोड लिख चुका हूँ ऑलरेडी, अभी जैसी ये खत्म होगा। सर थोड़ा यहाँ देना हवा आ रही, अभी जैसी क्या, हाँ अभी जैसी ताजा खबर का प्रमोशन खत्म होगा उसके कुछ हफ्तों बाद हम लोग ढिंढोरा का शूटिंग कर देंगे शुरू। पेड़ पे लंगूर बैठते हैं, आजा आजा।
जाओ यार प्लीज भाई, इधर रुक जाओ मेरे सर पे। एक एक छोटी दिल की बात करना चाहता हूँ कि मैं हर शहर में जाके यही बोल रहा हूँ, सबको ये बोल रहा हूँ कि मेरी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, मेरी कोई पीआर टीम नहीं है, मेरी पीआर टीम और मार्केटिंग आप लोगों। आपने एक लड़के को, एक 21 साल 22 साल के लड़के को यूट्यूब से निकल के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रखा और उसके शो को इतना प्यार दिया। उस शो का सेकंड सीजन आने वाला है, ताजा खबर सीजन 2, 27 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। मेरे को पता है आप लोग देखोगे, मुझे पता है अपना इतना है कि आप लोग देखोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आपका देखना हो जाए या ना हो, आप बस अपने फैमिली ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। सो गाइस सामने स्टेज है, देख लीजिए, भुवन भाई यहाँ से निकल चुके हैं और मेरे को ना इधर से कूद करके यहाँ पर आने का मौका मिला है। यार बहुत मुश्किल था यार, मेरी टी शर्ट देखो पूरे पसीने में हो चुकी है, बट कोई ना यार, इतना चल रहा है भाई, सच्ची सुकून था यार। बाकी मैं यहाँ पे साइड में होगा, क्या बोल यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, पब्लिक देखो तुम एक बार, सच्ची यार यहाँ पर सुकून था अभी थोड़ी देर पहले। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं स्टेज पर यहाँ पर आकर के एक ब्लॉग की क्लिप शूट कर सकूँ, पर अब वो जा चुके हैं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ व्हाट्स अप पब्लिक, क्या बोल रही तो ना, ये बोलने का मुझे मौका नहीं मिला यार, मैं क्या करूँ। हाँ भाई सच्ची सुकून मिला था यहाँ से ना भाई, मैं यहाँ पर खड़ा था यहाँ पे, क्या ब्रो ये। So, hey guys, welcome back to my new vlog. ये क्लिप ना यार मैं कोशिश करता कि मैं स्टेज पे शुरू करता, बट यार इतनी किस्मत अच्छी है भी नहीं अपनी, अपन यहाँ पर आकर के ये क्लिप बोल करके सारी पब्लिक को चिल्ला करके बोलूं कि ये मेरा व्लॉग है। अभी कुछ देर पहले ना यहाँ पर चुम्मेश्वरी सीन्स थे, सारा पहला मीटअप होगा जिसकी स्टेज पर हम लोग आ रहे हैं भाई, नहीं और ये भाई मेरा मीटअप है, ठीक है, दिखा भी नहीं है पूरी पब्लिक में भाई, एक भी क्लिप नहीं होगी इसकी, फोटो वोटो क्लिक हो रही है। So guys, अभी मैं आपको देखो फंडा बताता हूँ क्या हुआ था भाई, मैं ना कल शाम को इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तभी स्टोरी, यार ये हो नहीं सकता, फिर मैं बोला कि हो सकता है क्योंकि ताजा खबर टू आ रही है, तो मेक श्योर करके आप लोग भी देखो भाई, जाकर के बूम बाम कर, कमेंट करो, ग्रुप्स में शेयर करो और भाई फोड़ दो, और जयपुर में मीटअप हो और हम ना पहुंचे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम साइज कर लो, यही सपना था यार हमारा कि ना एक बार ना मतलब बस एक बार टच हो जाए, मेरा ना सच्ची सपना था कि एक बार टच हो जाए मेरा ऐसे ही, या फिर एक से एक एक क्लिप ना गलती से ऐसे आ जाए भाई, भाई वो ना मेरे पांच वीडियो की ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, टच हो जाए, यादगार सीन थे भाई, और ये सच में यादगार ही है हमारे लिए कि हमने शेयर किया चाहे उनके जाने के बाद, आपने देख लिया, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यार ताजा खबर टू देखना क्योंकि खतरनाक काम है यार, मैंने ताजा खबर वन देखी थी, आप लोग टू भी देखो, वन भी देखो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो मुझे, और मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में, मेरा बस ये सपना था कि मैं एक बार ना या तो यहाँ पर आ जाता या फिर वहाँ पर मैं हाथ बात मिला लेता या फिर एक फोटो शूट कर जाता, पर भाई सब कुछ सही था, यहाँ से पुलिस वाले भगा रहे हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।